हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने अचालक गोले के बाहर पृष्ठ पर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात की थी। हमारा दूसरे पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन का जो बुलबुला है उसके संतुलन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम चित्र को समझते हैं। चित्र को ध्यान से समझेंगे कि एक मान लीजिए साबुन का बुलबुला है। साबुन के बुलबुले पर आवेश लगाया गया है या आवेश उपस्थित है। मान लीजिए साबुन का बुलबुला है जिस पर यह आवेश है, ठीक है। तो साबुन का बुलबुला संतुलन में कब रहेगा? पहले ये देखिए कि संतुलन का मतलब क्या है। संतुलन का मतलब यह है कि ये बुलबुला फूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कब नहीं फूटेगा? जब अंदर का दाब, बुलबुले के अंदर का दाब, वायुमंडलीय दाब मतलब बाहर का दाब जो है उससे ज्यादा रहेगा। अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा रहेगा तब ये बुलबुला संतुलन में रहता है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं फिजिक्स से। देखो बेटा, यहां पर साबुन के जो बुलबुला है उसको संतुलित कौन करता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को किससे शो करते हैं? कैपिटल टी से। तो देखिए, साबुन का बुलबुला अगर संतुलन अवस्था में है तो संतुलन अवस्था में जो इसका दाब आधिक्य है, दाब आधिक्य का मान हमने ज्ञात कर लिया था। दाब आधिक्य को हम पी एक्स बोलते हैं, पीई एक्स बोल दिया, दाब आधिक्य, ठीक है। दाब आधिक्य और साबुन के बुलबुले पर दाब पृष्ठ तनाव की वजह से, ध्यान दें, पृष्ठ तनाव की वजह से साबुन के बुलबुले पर जो दाब रहता है वो रहता है 40/R। यहां मान लीजिए इस बुलबुले की त्रिज्या कितनी है? R है, तो इस पे दाब कितना आएगा बेटा? P = 40/R। टी क्या है? पृष्ठ तनाव। यहां टी है पृष्ठ तनाव और R क्या है? स्मॉल R जो है वो है इस आवेशित बुलबुले की त्रिज्या, ठीक है। हाँ जी, ये दाब तो आ गया पृष्ठ तनाव की वजह से और हमने आवेशित गोले के कारण दाब ज्ञात कर रखा है। वो दाब कितना था आपको ध्यान हो तो? वो दाब हमारे, इसको मान लेते हैं P1, तो वो दाब हमारे पास आया था, ध्यान रखो, σ² / 2ε₀। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने कैलकुलेट किया है, आप देख रहे हैं एक बार उस वीडियो को, नोट्स को, ठीक है। तो इनकी संतुलन अवस्था के लिए क्या करें कि जो दाब आधिक्य है, दाब आधिक्य का जो मान है पी एक्स, वो यहां पर जो दाब लग रहा है आवेश के कारण जो आवेश बुलबुले पर, -σ² / 2ε₀। इसको कौन संतुलित करेगा? इसको संतुलित करेगा पृष्ठ तनाव द्वारा लगने वाला दाब। और पृष्ठ तनाव द्वारा लगने वाला दाब क्या है? 40/R, ठीक है। ये दाब आधिक्य जो है, ये दाब आधिक्य σ² / 2ε₀ को कौन मैनेज करेगा? 40/R। अगर हम PEX का मान ज्ञात करें दाब आधिक्य का, तो दाब आधिक्य का मान आ जाएगा 40/r, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो, अगर इसको इधर लेकर आए तो -σ² / 2ε₀, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, किसका मान आ गया? ये दाब आधिक्य का मान। अब अगर साबुन का बुलबुला फूट जाता है, टूट गया, तो फिर क्या होगा? टूटने पर अगर अपन देखें तो, अगर साबुन का बुलबुला टूट जाता है तो यहां पर जो दाब आधिक्य का मान है PEX का, वो क्या हो जाएगा? 0। दाब आधिक्य 0 होने से साबुन का बुलबुला टूट जाएगा, ठीक है। टूट गया तो यहां पे क्या बचेगा आपके पास? 0 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40/r प्लस, ये उधर जाएगा तो σ² / 2ε₀ = 0। क्लियर है? ये
हमारे पास कौन सी शर्त आई है जब साबुन का बुलबुला टूट जाता है या टूट जाए तो? ठीक है, अब हम यहां पे साबुन के बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कर देते हैं, साबुन के बुलबुले पे आवेश ज्ञात कर लेते हैं और साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इनसे मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर संतुलन के लिए क्या शर्त है, तो संतुलन की शर्त लगाएं तो संतुलन के लिए जहां पर साबुन का बुलबुला संतुलन में रहेगा, संतुलन का मतलब जब ये नहीं टूटेगा साबुन का बुलबुला तो नहीं टूटेगा, तो जो आपका पृष्ठ तनाव वाला दाब है वो किसके बराबर होगा, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 के। ये दोनों दाब, ये दाब तो है आवेश के कारण जो हमने कल ज्ञात किया है और ये दाब रहा है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ये याद रखना है 40/R, ये 11th में हमने पढ़ रखा है पृष्ठ तनाव वाले फॉर्मूले में। अगर देखो साबुन का बुलबुला अंदर से खोखला होता है और अगर पानी की बूंद की बात करें तो पानी की बूंद के लिए आपके पास दाब आता है 20/R। ठीक है ना, तो यहां से मैंने कहा कि जब साबुन का बुलबुला संतुलन में रहेगा तो संतुलन के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि आवेश द्वारा लगने वाला दाब इस बुलबुले पर और पृष्ठ तनाव द्वारा लगने वाला दाब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे ना। अब जब हमारे दोनों दाब बराबर है तो बुलबुला साबुन का नहीं फूटेगा, वरना क्या होगा ये बुलबुला फूट जाएगा। ठीक है, अब इस बुलबुले के लिए हम पृष्ठ तनाव ज्ञात कर देते हैं, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज्ञात कर देते हैं, उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं और आवेश का मान। तो देखिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पहला आपके पास है सिग्मा का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वजन बड़ा होगा तो 4 × 8 टी एप्सिलॉन 0 बटे आर। ठीक है, हाँ जी हमें सिग्मा का मान याद करना है, तो सिग्मा का मान आ जाएगा सिग्मा बराबर अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 8 टी एप्सिलॉन 0 अपॉन आर। ये आ गया हमारे पास सिग्मा का मान, सिग्मा क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा का मान क्या होता है, सिग्मा का मान सिग्मा इज इक्वल टू ध्यान है क्या क्यू बटे ए। ठीक है, सिग्मा आ गया, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, तो ये तो आ गया आवेशित बुलबुले का, जो आवेशित आपका बुलबुला है पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, अब हम ज्ञात कर देते हैं साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, तो साबुन के बुलबुले की त्रिज्या देखिए, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या आ जाएगी आर का मान ज्ञात करना है, सिग्मा स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आर बराबर यहां से आर बराबर ये आर है भैया गामा नहीं है ध्यान दे 8 pi epsilon 0 बटे सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा अगर आपको न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा तो सिग्मा का मान क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, और चाहो तो अगर ए भी नहीं दे रखा तो ए का मान क्या होगा 4 pi r² कहां से लिखा मैंने, क्योंकि आवेश जो बुलबुला है वो क्या है एक तरह से गोले की तरह व्यवहार करता है, गोले के क्षेत्रफल होता है 4 pi r². आगे देखिए इसमें ये आगे हमारे पास गोले की जो साबुन का बुलबुला है उसकी त्रिज्या, अब हमारे पास लास्ट जो बच जाता है वो है कि आई साबुन के बुलबुले पर कितना आवेश है, तो आवेश का मान और ज्ञात कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास साबुन के बुलबुले पर कितना आवेश आएगा, तो हम आवेश का मान ज्ञात करते हैं, साबुन के बुलबुले पर आवेश आवेश क्या आएगा, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ठीक है, मान रख दीजिए बेटा, इसको रख कर देंगे उतार लिया, हाँ जी देखो तो यहां से हमारे पास
सिग्मा बराबर क्यू, और ए का मान क्या लिख सकते हैं, ए का मान हम लिख सकते हैं 4πr2। ठीक है, अब यहां से चाहो तो आर का मान यहां से रख दो, चाहे सिग्मा का मान रख दो, तो यहां में आवेश का मान ज्ञात करना है तो क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πr2। क्लियर है? हाँ जी, सिग्मा को रिमूव करना है तो सिग्मा का मान रख देंगे, और अगर हमें चाहे तो आर का मान भी रख सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू सिग्मा का मान ध्यान रखना क्या था, सिग्मा का मान था अंडर रूट 80, सिग्मा का मान यहाँ से था 80 एप्सिलॉन 0 अपॉन आर, ठीक है, हाँ जी, इनटू 4πr2। क्लियर, आर स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर लेके आएंगे तो क्या लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट के अंदर आएगा तो ये ध्यान से समझना, ये आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो आर की घात 4 हो जाएगा। भाई देखो ध्यान से, आर की घात 4 का अंडर रूट क्या होता है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो आर की घात 4 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो आर स्क्वायर पर चले जाएंगे अंडर रूट के तो क्या जाएगा, क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन r r की पावर 4 इनटू 4π। ये 4π अंडर रूट से बाहर है भाई, 4π अंडर रूट से बाहर है, एक r से r 4 कैंसिल होगा तो q बच जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा q इज इक्वल टू, ये 4π को बाहर लिख देते हैं और अंडर रूट 8t एप्सिलॉन 0 इनटू r की, ये आ गया जो साबुन का बुलबुला है वो साबुन के बुलबुले पर आवेश। ठीक है, तो साबुन के बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, साबुन के बुलबुले पर हमने आवेश घनत्व ज्ञात कर लिया और साबुन के बुलबुले पर आवेश हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग बताया वो क्या है कि साबुन के बुलबुले के संतुलन अवस्था का मतलब होता है दोनों जो दाब है वो बराबर होंगे, आवेश द्वारा लगने वाला दाब और पृष्ठ तनाव द्वारा लगने वाला दाब। ठीक है, दोनों को बराबर कर दीजिए, पृष्ठ तनाव द्वारा लगने वाले दाब को आपको याद रखना है वो होता है साबुन के बुलबुले के लिए 40πr, क्योंकि वो अंदर से खाली होता है, इसकी कैलकुलेशन 11th में हमने कर रखी है। और अगर पानी की बूंद होती, पानी की बूंद अंदर से भरी रहती है तो उसकी कैलकुलेशन जब करते हैं उसका दाब आता है 40πr2πr। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, यहाँ किसी को डाउट है तो यहाँ बोल दीजिए, ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं ऑनलाइन वाले इसको रिमाइंड करके देख लेना, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कल हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स, जो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स आपको भी देखने हैं, कोई नहीं आए तो पूछना है, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू क्लास।